वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश हों और स्वस्थ हों। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस मुकुट का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस मुकुट को बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये मुकुट बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये मुकुट बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप मुकुट से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चर वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। इस ड्रेस की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो अगर आप ये ड्रेस बनाना देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ये ड्रेस बनाना भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मुकुट बनाने के लिए हमने देखिए पेस्टिंग वाले बुकरम में से दो पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई है वो हमने 6 इंचेस यानी कि 6 इंच रखी हुई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंचेस रखी हुई है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने कान्हा जी के सिर का मेजरमेंट कर सकते हैं पगड़ी के लिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये कान्हा जी का सिर है, तो हमें इसको इस तरीके से इंची टेप से चारों तरफ से ऐसे करना है। फोल्ड करते हुए हमें इसको लास्ट में मेज़र कर लेना है। तो देखिए, जो लास्ट में साइज़ आ रहा है वो 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंचेस आ रहा है। कान्हा जी के सिर का जो भी साइज आएगा उसमें हमें 1/2 इंच ऐड कर देना है। यानी कि जब हमने मेज़र किया तो 4.5 इंच आया था, तो उसमें हमने 1/2 इंच ऐड कर दिया तो 5 इंच हो गया। तो जो हम ये बुकरम का पीस कट करेंगे, इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे। अगर आपके कान्हा जी के सिर का साइज 5.5 इंच आ रहा है तो हमें उसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है। तो मेरे कान्हा जी के सिर का साइज भी देखिए 5.5 इंच आया था, तो उसमें हमने 1/2 इंच ऐड कर दिया, तो मैंने जो ये पीस कट किया है ये 6 इंच का है। इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के सिर का मेजरमेंट कर ले, जो भी साइज आए उसमें 1/2 इंच और ऐड कर दें, और फिर उसी साइज का आपको बुकरम कट कर लेना है। अब देखिए, हमें इसको इसके ऊपर रखना है बिल्कुल बराबर करते हुए, और यहाँ बीच में से एक बारी फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए, इधर की तरफ से ये फोल्डेड वाली साइड हो गई और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड हो गई। तो जो ओपन वाली साइड है इधर से हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है, और यहाँ ले आते हुए हमें देखिए इसको हल्का सा बेंड कर देना है और ऐसे शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसको इसी शेप में कट करेंगे। हमने ग्रीन कलर के कॉटन के फैब्रिक में से देखिए दो पीसेस कट कर लिए हैं। आप चाहें तो शॉर्टन का फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। हमें इसको इसके ऊपर रखना है इस तरीके से दोनों पीसेस को, और इसको प्रेस कर लेना है। अगर आप पेस्टिंग वाला बुकरम नहीं यूज कर रहे हैं तो आप फैब्रिक ग्लू से भी बुकरम को कपड़े के ऊपर चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद अब हमें चारों तरफ से कपड़े में थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को भी इसी शेप में कट कर लेना है। कट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने वी शेप में कट किया है इस पे एक कट लगा लेना है हमें इस तरीके से बीच में से, जिससे कि हमको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब हमें चारों तरफ से कपड़े को देखिए इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। हमने पीछे की तरफ से देखिए इसको फोल्ड करते हुए सिलाई भी लगा लिया है। आप देख सकते हैं इसमें आगे की तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। अब हमें एक पीस को ऐसे पलट कर रखना है और दूसरे पीस को इसके ऊपर रखना है, और चारों तरफ से सिलाई लगाकर इन दोनों पीसेस को जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे किनारे की तरफ से इसको हमें सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। बहुत ज़्यादा दूर से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, 0.25 इंचेस की जगह छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। हमने देखिए किनारे से सिलाई लगा ली, बहुत ही थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हमने सिलाई लगाई है। अब हमें इसको इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो गोलाई है इसी के साइज़ का हमें बुकरम कट करके कॉटन के कपड़े पे चिपका लेना है। दोनों पीसेस में हमने देखिए बुकरम कट करके और चिपका लिया है, फिर किनारे से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लिया है। अब हमें चारों तरफ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। हम इस वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और चारों तरफ से सिलाई लगाकर दोनों को जॉइंट कर लेंगे। दोनों पीसेस को सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब हमें देखिए पगड़ी लेनी है, और इसको यहाँ ऊपर की तरफ से बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेना है। और देखिए, हम सुई धागा ले लेंगे। यहाँ जो पीछे की तरफ से हमने सिलाई लगाई थी, यहाँ से हमें इसको सुई धागे से ऐसे टक करना शुरू करना है। देखिए इस तरीके से,
ऐसे सुई धागे से टक करते हुए हमें इसको चारों तरफ से ज्वाइंट कर लेना है। हमने इसको देखिए चारों तरफ से सुई धागे से टक करते हुए ज्वाइंट भी कर लिया है। अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमने पगड़ी के सेंटर में जहाँ से इसको शेप कट किया था वहाँ से हमें इसको मेज़र कर लेना है ऊपर से नीचे तक। देखिए ये 1 इंच आ रही है टोटल चौड़ाई। अब हमने ग्रीन कलर के नेट के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसको हमें ऐसे पतले पतले से प्लेट्स डालने हैं बिल्कुल पास पास में, एक के ऊपर एक करते हुए इस तरीके से। और ऐसे प्लेट्स डालते हुए हमें इसको देखिए टोटल 1 इंच चौड़ा रखना है और दोनों तरफ से इसको सिलाई लगा लेनी है। हमने प्लेट्स डालते हुए देखिए दोनों तरफ से सिलाई भी लगा ली है। अब हमें पगड़ी का बेस ले लेना है और ये जो सेंटर है ना हमें इसको देखिए यहाँ पर रखना है इस तरीके से। और ऐसे सेट करते हुए हम इसको देखिए फैलाते जाएंगे बीच बीच में इस तरीके से रखते हुए। पीछे से हम इसको ऐसे ले आएंगे और आगे ले आकर हमें इसको इसके ऊपर देखिए इस तरीके से रखते हुए ऐसे लगा लेना है। आप चाहें तो इसको ग्लू गन से भी लगा सकते हैं या फिर सुई धागे से टक भी कर सकते हैं। हमने गोल्डन कलर के फैब्रिक में से देखिए एक पीस कट कर लिया है। ये थोड़ा शाइन वाला फैब्रिक है और पीछे की तरफ से हमने इस पे पेपर पेस्टिंग चिपका लिया है जिससे कि ये थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो हमने 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंचेस रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी हुई है। हमें इन दोनों तरफ से इसको एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको देखिए बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसमें ऐसे प्लेट्स डाल लेनी है इस तरीके से। एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे हम, फिर एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको हमें बराबर रखना है, ऐसे फोल्ड करेंगे हम, फिर एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हमें इसको लास्ट तक फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें इसको सुई धागे से टक कर लेना है। देखिए हमने सुई धागा ले लिया। अब यहाँ से हम इसको इसके अंदर डालेंगे और इस तरफ से निकाल लेंगे। हमें ये ध्यान से करना है, देखिए सुई हाथ में नहीं चुभानी है। इस तरीके से करते हुए हम इसको इधर से निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ से इसको डालेंगे अंदर की तरफ और इस तरफ से निकालेंगे। अब हम इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे जिससे कि ये खुले नहीं। इसको जॉइंट करने के बाद अब हमें पगड़ी ले लेनी है और देखिए यहाँ किनारे की तरफ से हम इसको यहाँ पर रखेंगे और एक पीस को हमें यहाँ ले आकर ऐसे टक कर लेना है और दूसरे पीस को हमें देखिए यहाँ पर रखना है और टक कर लेना है। आप चाहें तो इसको ग्लूगन से चिपका भी सकते हैं या फिर टक भी कर सकते हैं सुई धागे से। इसको लगाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये दो फ्लावर ले लिए हैं, ये मैंने खुद से बनाए हैं। इसकी जो मैंने ड्रेस बनाना बताया है ना तो उसमें मैंने ये फ्लावर बनाना भी बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखिए एक रेड कलर का फोम फ्लावर ले लिया है रोज वाला और ये जो है ये एक ग्रीन कलर का बंच ले लिया है, इसको भी हमें यहाँ पर लगा लेना है। फ्लावर्स लगाने के बाद देखिए इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमने ये गोल्डन कलर की मोती ले ली है, हमने जो फ्लावर्स लगाया है इसके बीच में इस तरीके से हमें मोती लगा लेनी है। मोती लगाने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें ये नग वाली लेस ले लेनी है, इसको हमें यहाँ ऐसे बीच में से रखते हुए यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक ऐसे लगा लेना है। लेस लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स मुकुट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं कान्हा जी को ये मुकुट पहनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये मुकुट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।